शंकर भगवान और पार्वती जी की अमर जोड़ी है। तुम्हारा आज 80 साल तक तो कोई पूछो कौन, उम्र जब 90 साल की हुई तो पार्वती जी के पसंद आ गया। देखो आप 70-80 साल तक तो कोई न पूछो के था ना कोई परना भी ला। 80-90 के लगभग मतलब आसपास पार्वती जी ने पसंद आ गया भोलानाथ। तो काई शंकर भगवान की बरात राजा हिमाचल की नगरी में आवे, बींद राजा ने देखता ही लोग बाग डाकलों पर छिट गया। काई तो लुगाया मस्करियां कर रही है, ओहो काई तो फूट रो बींद आई, डग डग नाड़ हाल रही है, आजू बाजू में भूत प्रेत डिस्को डांस कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु आगे पाछे घूम रहा, बेमाता बनड़ा गाती आ रही है। ओह देखो बरात में कुण कुण कितना बड़ा बड़ा आदमी आया, कमो कम 30-40 दिनों बनड़ो नायो नहीं है कमो कम। तो साहब सारी सखी से बारी अब आगे सखी से ले ही है हम उम्र की ये सारी, अगर यहाँ की कोई साथ की लड़की ने कोई यान को बूढ़ो डोकरो मिल जा तो ये काई के वे आई कैसे कतन वही मिले को बस कोई बढ़िया जोड़ीदार तो मिलाती। तो साहब सारी सखियां बेड़ी और पार्वती जी के कन्ने गया और कहने लगी है पारो ताली तो बजाओ यारो, ए आग्यो परनिबाने रंगीलो जोगी एरियल बेलो जोगी मस्तानो जोगी आग्यो परनिबाने, अरे गोरा थारी ए लाडी थारी ओ बाई थारी जान तो छड़ी ए काकड़ में रंगीलो जोगी कह रहा कोई गोरा तो खड़ी हो, अकेलाओं की दो काम चाली, एक गोरा थारी जान तो छड़ी
जोगी हाथ लिया सरी डमरू छम छम बाजे पगा में घुंघरू माता बहना की विशेष आदत हुआ करे जब भी बरात निकल सी केवल लाडा की बात कर सी और की कोई मतलब ही को भाई दूसरा खेवो करे मैं भी तो पीछो खर्च कर कपड़ा फेर रहा है कोई बात ही न करे लेकिन कोई लाडा हाँ सोरो तो बढ़िया है यानी अगला इतनी मेहनत कर भी का पोती पांदड़ा खोल खांदर सगाई करियर भी के बाद में ये बीच में लावा पूरा लूट लिया करे ओ, सही बेटी को ना जोड़ पा की बात लेकिन आज तो भोला नाथ 80 साल का और पार्वता जी 12 साल का जोड़ी बेटवा को संभाली कौन बिल्कुल तो महाराज अरे गोरा थारी जान तो छटिए कहां कड़ महर किलो जोगी आयो परण वाले गोरा पार होती इतनी जल्दबाजी क्यों करी हिमाचल राजा कोई 12 साल की फिर भी टाइम में पढ़ना था वेला लेकिन 12 साल की को ब्याह नाजायजी है एक तरह से लेकिन इको कारणों महाराज बस शक्ति को उतारी 12 साल की उम्र में एक दिन राजा हिमाचल का महल पर पार्वती जी चढ़ गया और पड़ोस के मायने कोई शादी ब्याह वे रहे कोई बाजा बाज रहा तो पार्वता जी बेटे थोड़ा नाच लिया अपने बाबल के डागला पे नाच लिया एक नाचबा की बूंदी घाली तो सारा मेल थर्रा गया पूरा मेल थर्रा गया राजा मन में घबरा गयो रही तो जोरदार खुद नाचो के पूरा मेल घबरा गया जोशी के कन्या गया जोशी जी ने जार पूछा कि मारे तो जुलम वेग्यो छोरी ऊपर डागला बजार नाची पूरा मेल घबरा गयो जोशी बोले रे बाप और भी नहीं समझ पायो जब बेटिया फूंदी घाल पर लाग जाए तो तू परना देनी सब अब इन्हें पराई कर दे क्यों वो समय आ गया भी समझ जा तो क्या नाचरी क्यों है तो महाराज ई वास्ते 12 साल की पार्वती को ब्याह रचायो गयो तो एक बार ताली तो बजाओ ब्याह वेरे हो कमो कम सात फेरा करवा से अब बरात सामेला पे पहुंच चुकी है ये गोरा थारी जान छटी ये कांगड़ में रंगीलो जोगी आयो परण वाले
सारो गांव साक्षी आज शंकर भगवान का साथ मेरा वेला। कटी गया बोला नाथ, कटी गया बोले दे दे बिना तोले। तोरण पाया तो पंडित जी महाराज बोले महाराज तोरण मारो। अब तोरण मार भाग लिए तलवार या वह कामटी राख्या करे आदमी व लकड़ी राख्या करे जीव तोरण मारिया करे। शंकर भगवान का करने बाद नहीं तो पंडित जी महाराज बोले के बाद तोरण मार भाग की लकड़ी कटे था कि तलवार कटे। तो शंकर भगवान अपना गणाना आदेश दियो तो गण भाग्या महाराज गाँव का पड़सा में एक बहुत बड़ो बड़को पेड़ भी बड़का पेड़ ने उपाड़ियो महाराज। कोई लकड़ी तोड़ी नहीं पूरा बड़ी लेर बाजार में सीधा हो गया। आधा पर्दा बने की दुकाने सुलटा दी। ओ के बींद राजा तगड़ो भाई मान गया भाई। बाजार के बीच में महाराज हल्ड कैसी अगर वो बड़ सामने आयो शंकर भगवान एक ही हाथ में पकड़ सीधे को लो भाई पंडित जी। पंडित जी तो प्राप्त आ गया उठो मारिया भाई। चमरिया में गया और काई बोला नाथ आदि शक्ति पार्वता जी माता के साथ में फेरा लिया है। अरे पहलो फेरो खाई मारी गोरा दादो सारी लाडली सौभाग्य की बात है। आज राजलोता गांव का मैंने भगवान शंकर और पार्वता जी फेरा ले रहे भाई साहब खटे खटे बोले कांकड़ में जार देख लीजिए था ना सुबह आग जरूर जलेड़ी मिल ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरा विश्वास कह रहा है। खटर खटे ही टेम है थे यान कहते कटे को तपरिया भाई ला यार ये झूठ बोल रहे नहीं देख लेना। मारो निवेदन ओ है के जेदे कोई वर वधु का फेरा हुआ करे तो कन्यादान जरूर करया करे। आज निवेदन है कि कोई भोलानाथ का पिताजी नहीं नहीं पार्वताजी के पिताजी काकोसा माया बुआ कोई भी हो तो कन्यादान जरूर कर लीजिए। बोले एक एक रुपया कोई करजो लेकिन आ नो जाओ कर राजलोता में भगवान फेरा खाया और भगवान के एक रुपये कन्यादान ना गलत बात। कोशिश करजो भाई कोई पार्वता जी का मामोसा हो कोई काकोसा हो अटी बेटिया काका जी कन्यादान जरूर गणो सावे। नहीं तो वो लाक्षी कौन है क्योंकि कन्यादान ही संसार को सबसे बड़ो दान है। हमारा अटे पांदड़ी के मैंने लिखा रहा है वो भी दान ही लेकिन ये कन्यादान नहीं है ये तो महादान है। तो अरे चो तो फेरो खाई मारी गोरा मामोसा री मारी।
जी आ रहा है, ताली बजाओ। अरे दादी है तो दादी आए, मेरी दादी देखो आप कितो सुंदर कन्यादान में भाई, डायरेक्ट पेटी पाना साहब पाप लाग जाए। आटी लिया थे लिया भाई साहब थे लिया, ये तो भाई साहब कन्यादान में जाएगा डायरेक्ट, वहाँ केला स्पाट भी जाएगा। ताली बजाए भाई माता राम के लिए, पार्वता जी की माँ आई है और सारा कटे गया, दादो सार बीरो सार मामो सार काको सार साई सा है, कोई रेगे बमा कोई है नहीं। सात फेरा खाया पराई वे गया भाई, क्या बात है। ताली बजाओ एक बार जोरदार, भगवान शंकर का सात फेरा हुआ, शिव और शक्ति की जोड़ी वेगी जी दे, विदाई को टेम आयो। तो ये छोरिया शर्माती शर्माती पार्वती के कन्ने गई, वाह ये बीरोसा की तरफ बहुत बढ़िया। ताली बजाओ, देखो पार्वती जी का बीरोसा क्या, चार पांच रिश्ता बजरिया ये काका जी बेटे आते थे, काका जी न कर रहे लो थोड़ा धर्म तो कर ला अपन, क्योंकि ये तो कैलाश पर्वत में जाएगा ना। तो ये सारी टापरिया बेड़ी और पार्वती जी के कन्ने आई आए, एक बात बता थारा वो पसंद क्या ना आयो, बस आ समझा दे मान, वो बूढ़ो सारो बीन थारे थारे दाई क्या ना आई। तो पार्वता जी बोलिया तीन तिरलो की नात है, भोलानाथ ने जार बोलिया कि एक बार मेरी सही लेना था को असली रूप दिखाओ। तो भगवान शंकर तिरलो की नात रूप धारण कर, और कई परिवार ने और पूरा गांव ने दर्शन दियो साहब, जोरदार ताली बजाओ एक बार, भगवान शंकर अलग निरंजन। ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरे नात रे शंकर नहातरे, महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे, हमारे भाई साहब के लिए ताली बजाओ, क्या बात है। सगी सेले ने पार्वती जवाब दी, बोले वो तीन त्रिलो की नाथ वहां कहीं दर्शन दिया हमारा भोला नाथ। अब पार्वती ने सगी सेले बोली, अरे कया थारा बाबल करी मन भायो, जो तन जोगी कहे परिणायो, जो तन
भाई थारी, अरे लाडी थारी जान चढ़ी कहाँ खड़ मेरा।